सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये खबर जो है निकल कर आ रही है सामने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से, जहां पर लोहिया विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलपति जो है वो कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के छात्र हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए, ताकि राम मनोहर लोहिया वद यूनिवर्सिटी से आने वाली हर खबर आपको मिलती रहे। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के भटनागर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वे विश्वविद्यालय परिसर में बने आवास में ही आइसोलेट हैं। दोस्तों, वो अपने आवास में ही जो आइसोलेट हैं, यानी होम क्वारंटाइन हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इससे पहले भी विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल ये सभी कोरोना को मात दे चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर एस के भटनागर ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहते हैं, जो चिकित्सक परामर्श देते रहते हैं। परिसर वाइज फैसिलिटी अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहाँ पर जो है फैसिलिटी है, इनको सारी फैसिलिटी दी जाती है, साथ ही साथ ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। मुख्य सुरक्षा अधिकारी कर्नल अग्नि सिंह पर कोरोना प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है। बाहरियों का प्रवेश वर्जित है और समय समय पर जो है इनको कैंपस को जो है सैनिटाइज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर राम मनोहर लोहिया के जो कुलपति हैं, उनका जो है क्वारंटीन है और उनको कोरोना संक्रमण पाया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए, जब यहाँ पर इतने सारे लोग, जब कुलपति और इनके कर्मचारी संक्रमित हैं, तो इस हिसाब से आप ये मान के चलिए, हो सकता है आपकी परीक्षा जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दी जाए, आपको जो है प्रमोशन मिल जाए। दोस्तों, अब प्रमोशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबाना होगा और कमेंट्स बॉक्स में कैंसिल एग्ज़ाम लिखना होगा। धन्यवाद।